सो बेटा इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. तो एलजेब्रिकली यानी इक्वेशन की फॉर्म में हम कंजम्पशन फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सी इक्वल सी बार प्लस बी वाई. ये इक्वेशन को हम बेटे यूज करते हैं टू नो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. अगर हमें ये जानना है कि इंडिया में अगर 20 करोड़ इनकम है तो उस वहां पर उस लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा, या अगर इंडिया की इनकम जो है 100 करोड़ रुपए है तो वहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, तो ये जानने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, सी इक्वल्स सी बार प्लस बी वाई, जहां पर सी बार क्या है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी क्या है बी मेजर्स द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व. ठीक है, इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. किसी भी मैथ स्टूडेंट्स हैं काफी यहाँ पर, मैथ स्टूडेंट्स को पता होगा किसी भी कर्व की स्लोप हम कैसे मेजर करते हैं. उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डेल्टा जो वेरिएबल वाई एक्सिस पे है उसका चेंज ओवर जो वेरिएबल एक्स एक्सिस पर है उसका चेंज. यहाँ पर वाई वेरिएबल क्या है कंजम्पशन, तो उसका चेंज मींस डेल्टा सी. एक्स एक्सिस पर क्या है इनकम, तो उसका चेंज मींस डेल्टा वाई. तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज स्लोप इज मेजर्ड बाय डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. ठीक है, सो राइट डाउन दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू मेजर कंजम्पशन एट different levels of income in an economy. For example, if in an economy C bar is equal to rupees 200, B is equal to 0.75, Then at y equal to rupees 1000, c will be equal to, देखो क्या है c bar यानी 200 plus b which is 0.75 into 1000. ठीक है, that is 750 प्लस 200 विच इज रुपीज 950. ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर कंजम्पशन जानना है तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, आगे चलें बेटे. नेक्स्ट लिखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Propensity to consume refers to the schedule. It refers to the schedule which shows the level of consumption at various levels of income. ये जो schedule जो कि consumption बता रहा है different levels of income पर, इसको हम कहते हैं propensity to consume. I am repeating, it refers to the schedule which shows level of consumption at different levels of income. It has two attributes. One, average propensity to consume, जिसको हम कहते हैं एपीसी. सेकेंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम कहते हैं एमपीसी. ठीक है, इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं propensity to consume के. वन, average propensity to consume. सेकेंड, marginal propensity to consume. तो सबसे पहले APC से शुरू करेंगे. average propensity to consume, it refers to ratio of
APC refers to ratio of total consumption to total income at a given level of employment. At a given level of employment in the economy, APC refers to ratio of total consumption to total income at a given level of employment in the economy. Next line mein likhenge APC equals C over Y. सिंपल, आपको एक इकोनॉमी का इनकम बताया है और इस इनकम पे कंजम्पशन बताई है, तो आप उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल लीजिए सी ओवर वाई. ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब सिंपली एक इकोनॉमी अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च देती है. अगर इंडिया की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की एपीसी 0.8 आई, इसका मतलब अगर हमारी इनकम 100 करोड़ रुपए है या 100 रुपया है, तो हम इसमें से हमारे लोग ऑन एन एवरेज 80 रुपए खर्च देते हैं. ठीक है, अगर एपीसी 50 है तो इसका मतलब हम 100 में से 50 रुपए खर्च देते हैं, 50 रुपए बचाकर रख लेते हैं. ठीक है, सो कोई भी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैं यहाँ पर एक शेड्यूल ले लेती हूँ, उस शेड्यूल से हम एपीसी फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, कोई भी एक सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पर मैं वाई ले रही हूँ, से 100, 200, 300 कॉरेस्पॉन्डिंग कंजम्पशन ले रही हूँ 50, 100, 150. ठीक है, अब मुझे एपीसी निकालना है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर, विच इज इक्वल टू सी ओवर वाई. हेयर इट इज 50 ओवर 100, 0.5. Here also 200 over 200, 0.5. Here again 150 over 300, 0.5. क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट चेंज आ रहा है कंजम्पशन में, तो इसीलिए एपीसी जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब सीसी का स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कर्वी नहीं है, स्ट्रेट है, तो उस केस में इसका मतलब एपीसी जो है वो कांस्टेंट है. जब न्यूमिरेटर कांस्टेंट है तो एपीसी कांस्टेंट रहेगा. ठीक है बेटे, उसके बाद सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, दैट इज एमपीसी इक्वल्स डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई का मतलब हम ये जानना चाहते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी की इनकम 100 रुपया बढ़ती है तो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज आता है. Alright, so marginal propensity to consume जो है, it is the ratio of change in consumption to change in income. हमें ये देखना है अगर economy की income बढ़ती है, as a result उसकी consumption कितनी increase होती है, वो हमें MPC से पता चलता है. ठीक है, अगर economy का MPC 0.75 है, इसका मतलब लोग अपनी increased income का 75% हिस्सा consume, consumption के ऊपर spend कर देते हैं. ठीक है, सो इसको भी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम अभी करके देख लेते हैं. अगेन आई एम टेकिंग द सेम डेटा, 100 इनकम, ये 400 तक मैं ले रही हूं, 100 200 300 400, ये कंजम्पशन है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम.
we need to calculate MPC, which is equal to delta C over delta Y. ठीक है, अब इस लेवल ऑफ इनकम पर हम एमपीसी नहीं कैलकुलेट कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्रीवियस लेवल ऑफ इनकम कितना था, प्रीवियस लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना था. ठीक है, क्योंकि डेल्टा सी नहीं है, डेल्टा वाई नहीं है, तो डैश. अब इस केस में देखो, कंजम्पशन में कितना इंक्रीज आया, 50 रुपीज. इनकम में कितना आया था, 100. इंप्लाइंग एमपीसी इक्वल 0.5. हेयर ऑल्सो इन दिस केस अगेन 0.5. ठीक है, ये हमने सिंपल सी एग्जाम्पल ली है, लीनियर कंजम्पशन कर्व की एग्जाम्पल ली है. एज अ रिजल्ट एपीसी और एमपीसी दोनों कॉन्स्टेंट आए हैं. ठीक है, और एपीसी इक्वल टू एमपीसी आया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. सो लेट अस स्टडी अबाउट एमपीसी. एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. जनरली यू नीड टू राइट इट डाउन. जनरली द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन एंड लेस देन वन. दैट इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एमपीसी ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन. एमपीसी, किसी भी इकोनॉमी का एमपीसी हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगा और हमेशा वन से कम रहेगा. ठीक है, जीरो से ज्यादा क्यों बेटे? ऐसी कोई इकोनॉमी हो सकती है, मुझे बताओ, जिसमें लोगों की इनकम बढ़े और कंजम्पशन ना बढ़े? क्या डेल्टा सी कभी जीरो हो सकता है? आप कभी ऐसा करोगे, आपके पेरेंट्स आपके पॉकेट मनी बढ़ा दें और आप कंजम्पशन ना बढ़ाओ, खर्चा ना बढ़ाओ, आप कभी ऐसा होगा आपके साथ? टेल मी, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी आपका खर्चा बढ़ेगा ना? आपका खर्चा कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी डेल्टा सी कभी भी जीरो नहीं होगा. तो डेल्टा सी कभी जीरो नहीं होगा, तो एमपीसी कभी जीरो नहीं होगा. एमपीसी जीरो नहीं होगा मतलब एमपीसी की वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा रहेगी. ठीक है, यहां पे इसको ऐसे समझते हैं, एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. दैट इज एमपीसी इज नेवर इक्वल टू जीरो. ठीक है, एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, कब जीरो होगा बेटे? ये कब जीरो हो सकता है? ये जीरो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डेल्टा सी कैनॉट बी इक्वल टू जीरो. लोगों की जब इनकम बढ़ती है उनका खर्चा भी बढ़ता है. पीपल डू नॉट सेव ऑल पार्ट ऑफ देयर इनकम, दे डू कंज्यूम सम पार्ट ऑफ देयर एडिशनल इनकम. ठीक है, दैट इज व्हाई डेल्टा सी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज डेल्टा सी कैनॉट बी इक्वल टू जीरो. So delta C over delta Y cannot be equal to zero, implying MPC cannot be equal to zero, implying MPC is always greater than zero. ठीक है, reason लिख लो. With increase in income, people always increase their consumption. With increase in income, people always increase their consumption. So MPC can never be equal to zero. Clear है? नहीं clear तो बता दो, मैं दोबारा repeat कर दूंगी.
जब भी हमारी इनकम बढ़ती है हमारा खर्चा बढ़ता है, हमारे इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर को डेल्टा सी कहते हैं। एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। जब न्यूमिरेटर कभी जीरो नहीं होगा तो पूरी रेशो भी कभी जीरो नहीं होगी। ये पूरी रेशो क्या है? एमपीसी। एमपीसी जीरो क्यों नहीं होती? क्योंकि न्यूमिरेटर जीरो नहीं होता। न्यूमिरेटर क्या है? डेल्टा सी। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम अपनी कंजम्पशन भी बढ़ाते हैं, इसीलिए एमपीसी कभी जीरो नहीं होता। अब दूसरी बात, एमपीसी कभी हम एमपीसी हमेशा वन से कम रहता है। मतलब एमपीसी कभी भी वन नहीं होता। एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। ये वन कब होगा? कोई भी रेशो बेटे फॉर दैट मैटर वन कब होती है? जब उसका न्यूमिरेटर उसकी डिनोमिनेटर के इक्वल होता है। यहाँ पे न्यूमिरेटर क्या है? डेल्टा सी। डिनोमिनेटर क्या है? डेल्टा वाई। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपकी जितनी पॉकेट मनी बढ़ती है आप सारी की सारी खर्च कर देते हो? आपकी पॉकेट मनी पेरेंट्स ने 500 रुपए बढ़ा दी तो क्या आप अपना खर्चा भी 500 रुपए बढ़ा दोगे? डू यू स्पेंड होल पार्ट ऑफ योर इनकम और यू डू सेव सम पार्ट ऑफ योर एडिशनल इनकम? बताइए, आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करेंगे ना, सारा का सारा खर्च नहीं करेंगे? यस यू डू सेव। तो विच मीन्स डेल्टा सी इज नॉट इक्वल टू डेल्टा वाई। तो जब बेटे डेल्टा सी डेल्टा वाई के बराबर नहीं होगा तो डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई कभी भी वन के बराबर नहीं होगा। यानी एमपीसी विल नेवर बी इक्वल टू वन, दैट इज एमपीसी विल ऑलवेज बी लेस देन वन। ठीक है, इसका रीजन, जनरली पीपल डू सेव सम पार्ट ऑफ देयर इनकम, जनरली पीपल डू सेव सम पार्ट ऑफ देयर इनकम, दैट इज दे डू नॉट स्पेंड होल ऑफ देयर इनकम, they do not spend whole of their income, so delta c is not equal to delta y, mpc is not equal to 1. ठीक है, अब mpc के बारे में हमें पता चल गया। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए, किसी जो कंजम्पशन कर्व है उसकी स्लोप किससे मेजर की जाती है? एमपीसी से की जाती है। तो नीचे लिख लो, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज मेजर्ड बाय एमपीसी। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज मेजर्ड बाय एमपीसी। This is all we had to discuss about consumption function. Now let us proceed to the saving function. Saving function. So write down the functional relationship. The functional relationship between savings and income. The functional relationship between savings and income is referred to as saving function. The functional relationship between savings and income is referred to as saving function. ठीक है,
उसके बाद लिखिए प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू अ शेड्यूल शोइंग सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. सो हम शेड्यूल ड्रॉ करते हैं. यही हमने डेटा हर बार ही उठाया है, तो बार बार नया डेटा हमने नहीं लर्न करना. इनकम जीरो से स्टार्ट होकर 20 का गैप 120 तक, कंजम्पशन 20 से स्टार्ट होके 5 का डिफरेंस, सेविंग्स क्या है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. This relationship between savings and income is referred to as propensity to save, ठीक है, और saving function. एक ही बात है, saving function का मतलब propensity to save होता है. अब ये हमने tabular form में represent कर दिया, अब हम इसको कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगेन हम एक्सिस बनाएंगे, यहां पे हमें 3 ऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है. ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई, ये वाई डैश. हियर वी विल बी टेकिंग लेवल ऑफ इनकम, हियर वी विल बी टेकिंग सेविंग्स, ठीक. तो जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो सेविंग्स कितनी है, -20. इसका मतलब सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होगा, बिलो द ओरिजिन स्टार्ट होगा. इनकम बढ़ रही है तो सेविंग्स भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा. और क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन रहेगा. एस S is our saving curve. Consumption curve की तरह ही है, upward sloping है, straight line है, लेकिन difference क्या है, वो above the origin से start होता है, ये below the origin से start होगा. So let us note down the observations. Observations number 1, SS starts from below the origin. SS starts from below the origin, showing that savings are negative at zero level of income, showing that savings are negative at zero level of income. Second, at point R, savings are zero. At point R, savings are zero. कैसे पता चला यहां पर saving zero है? क्योंकि यहां पर saving curve income line को cross कर रहा है, intersect कर रहा है. जहां पे दो curves intersect करते हैं, इसका मतलब वहां पे वो equal होते हैं. Savings यहां पर zero है. ठीक है? Here savings are, सॉरी मैंने क्या बोला, ये लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ये जब जा रही है सेविंग कर्व, इसका मतलब एट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस दीज आर जीरो, इक्वल नहीं है, सेविंग्स आर जीरो, ठीक है.
Third, after point R, saving curve lies above the origin. After point R, saving curve lies above the origin, showing that savings increase as the level of income increases. ठीक है, showing that savings increase as the level of income increases. Next है बेटे algebraic expression of saving function. Algebraic expression of saving function. Saving function can be represented with the help of following equation. Saving function can be represented with the help of following equation. S equals minus C bar plus 1 minus BY, where S refers to savings, minus C bar negative savings, at zero level of income. One minus B MPS equals delta S over delta Y, and Y refers to level of income. इसको डिस्कस हम परसों करेंगे.